नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, HSSC ने कल एक नोटिस भेजा था और आज दोबारा से एक नया नोटिस भेजा है। ठीक है, क्या दिया गया है उस नोटिस में, किसके रिगार्डिंग ये नोटिस है, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 31 अक्टूबर का ये लेटेस्ट अपडेट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा HSSC ने कौन सा नोटिस भेजा है। उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जो कोई भी अपडेट आता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो उसका अपडेट नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे ही इसमें जो देखते हैं रिजल्ट के सेक्शन में जाते हैं, तो हमारे सामने जो नोटिस है, जो रिजल्ट जारी किया गया है, वो हमारे सामने आ जाता है। देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 कैटेगरी नंबर 12 की रिगार्डिंग ये नोटिस डाला गया है। फाइनल रिजल्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा, जो रिजल्ट है फाइनल वो डिक्लेयर कर दिया गया है, जो पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स के लिए जो पद थे उनके लिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्या है, आपके पास एक फाइल डाउनलोड होकर आएगी। मैंने इस पर क्लिक किया है, ये ऑटो में डाउनलोड हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अनाउंसमेंट है, फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 कैटेगरी नंबर 12 के रिगार्डिंग ये नोटिस डाला गया है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू वाइवा वोस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 कैटेगरी नंबर 12 द कमीशन हैज़ फाइनलाइज्ड एंड डिक्लेयर द रिजल्ट। जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। द रिजल्ट हैज़ बीन शोन रोल नंबर वाइज एंड कैटेगरी वाइज एंड द मार्क्स सिक्योर्ड बाई द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी हैव बीन शोन इन द ब्रैकेट। तो टोटल इसमें बताया गया है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और रोल नंबर वाइज आप उसे चेक कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट के जितने मार्क्स थे वो हम बता देंगे कि मेरिट लिस्ट कहाँ पर लगी है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, कैटेगरी नंबर 12 PGT फिजिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा टोटल पोस्ट कितनी थी, 687 पोस्ट थी। जनरल के लिए 296 पोस्ट थी। यहाँ से आप सारे रोल नंबर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे रोल नंबर हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए जो फाइनल कट ऑफ लगी है वो 117 पे लगी है। ठीक है, SC के लिए क्या है, 216 पोस्ट थी, उनके रोल नंबर ये दिए गए हैं। जो लास्ट थी उनके लिए SC के 86 गई है। ठीक है, BCA के लिए 59 पोस्ट थी, तो 59 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ लगा है वो 94 गया है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं, BCB के लिए 29 पोस्ट थी, तो उनमें से क्या है, 106 गई है उसके लिए कट ऑफ। अब EBPG के लिए 29 पोस्ट थी, तो उनके लिए ये गया है कट ऑफ। ESM के लिए 29 पोस्ट थी और OH के लिए 15 पोस्ट थी, जिनके लिए 109 कट ऑफ गया है। नोट क्या दिया गया है, SC 193 पोस्ट, BCA 43 पोस्ट, BCB 20 पोस्ट, EBPGC के लिए 28 पोस्ट, ESM के लिए 26 पोस्ट, OH के लिए 12 पोस्ट एंड VH के लिए 3 पोस्ट रिमेंड वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। मतलब जो इतनी पोस्ट थी वो सारी खाली रह गई हैं। ठीक है, क्योंकि विभाग को एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए। ठीक है, अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या था, रिटन एग्जामिनेशन 160 मार्क्स का था, वो जो था 24 मार्क्स का था, एक्सपीरियंस के 16 मार्क्स थे। तो टोटल 200 में से जो कट ऑफ लगी है वो आप देख पा रहे हैं, जनरल की आपने देखा होगा क्या लगी थी, तो सारी कट ऑफ आपको ऊपर दी गई है। नोट क्या दिया गया है, द रिजल्ट ऑफ रोल नंबर, ये कुछ रोल नंबर दिए गए हैं एंड हैव बीन कैप्ट इन सील्ड कवर इन कंप्लेंट्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर पास्ट इन CWP, जो क्या है, इनका कुछ केस है। ठीक है, तो ये इस वजह से जो माननीय हाई कोर्ट है उसने क्या है, इनका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं दर्शाया है। ठीक है, इन व्यू ऑफ अबाउ मैंशन रिट पिटिशन रिलेटिंग ऑफ पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स पेंडिंग इन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जनरल 5 पोस्ट हैव बीन कैप्ट वैकेंट। तो क्या है कि इन्होंने जो है पिटीशन दायर की गई थी, अभी इनका जो फैसला आना है वो हाई कोर्ट में है, तो इसके लिए जो 5 पोस्ट हैं वो वैकेंट रखी गई हैं। द रिजल्ट ऑफ SBC कैटेगरी हैज़ बीन
विथ हेल्ड एज पर लेटर नंबर 42 187 इशूड बाई चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन व्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो कहने का मतलब ये है जो बाकी हैं वो सभी कर दिया गया है, लेकिन जिन्हें पिटीशन दायर की थी अभी उनका रिजल्ट नहीं किया गया है, उनके लिए पोस्ट खाली रखी गई है। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वैसे ही मैं HSSC के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो आपको नोटिफाई करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के बटन को दबाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।